कि पाकिस्तान गवर्नमेंट वॉज इन्वॉल्व इन मुंबई टेररिस्ट अटैक। इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक होना, जिसके अंदर ट्रेनिंग मुजफ्फराबाद में और मंगला डैम के अंदर और उसके बाद में मनशेरा में हुई हो, एंड फाइनली नेविगेशन समुंदर के अंदर नेविगेशन और जो बेसिक सीमैनशिप थी उसकी ट्रेनिंग कराची के पास हुई हो, तो उसमें अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट का इदारा कोई इन्वॉल्व नहीं होगा तो ये एक बहुत ही हास्यास्पद बात है। इट इज़ अ लाफेबल पॉइंट। एंड उसके ऊपर इतनी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट्स हैं, CIA की रिपोर्ट है, इंडियन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं, सब्सिक्वेंटली डेविड हेडली के बयान हैं, अजमाल कसाब जो फरीदकोट गांव का, पंजाब के आपके फरीदकोट गांव का जो आतंकवादी था, उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट है कि वो कहाँ का रहने वाला है, किस तरीके से ISI ने उसको कॉन्टैक्ट किया, किस तरीके से उसके जो पेरेंट्स थे कितनी गुर्बत में रह रहे थे और उनको पैसे की जरूरत थी, तो उन्होंने एक लड़का जो है जिहाद को दे दिया और जिससे कि वो बाकी जो घर का परिवार है उसको पाल सकें, और वो जिहाद को लड़का उन्होंने दे दिया। और फिर उसने पूरा डिटेल में बताया कि कहाँ कहाँ ट्रेनिंग हुई, कैसे 26 लड़के इनिशियली ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हुए थे और फिर वो छटते छटते आखिर में वो 10 ही बचे, और 10 जब वो बचे हार्डकोर उन जो लड़के थे उनको फिर किस तरीके से एट ईच स्टेज उनका साइकोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग करी। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि किस तरीके से अजमल कसाब ने उसकी डिटेलिंग दी है। उसने ये बताया है कि कैसे अलग अलग मूवीज दिखाया जाया करती थी कि हिंदुस्तान के अंदर कैसे जुर्म हो रहा है मुसलमानों के ऊपर, और जब वो चीजें बताई तो एक गांव का लड़के को नहीं पता कि ये हिंदुस्तान में हो रहा है या चेचनिया में हो रहा है या इराक में हो रहा है या कहाँ हो रहा है, लेकिन उन बच्चों को जिनको कुछ नहीं मालूम, जो मदरसों में पढ़े हैं, जो गुर्बत की हालत में जिंदा थे, रह रहे थे, उन लड़कों को इस तरीके की चीजें बताना। और मौलवी का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है मुस्लिम सोसाइटी में, वो मुझसे ज्यादा आप जानती हैं कि मौलवी जब कोई चीज कहता है तो इस टाइप के गलेबल जो लोग हैं वो कितना उसको सीरियसली समझते हैं, उसको एक तरीके से पैगंबर की आवाज समझते हैं, और जब वो आवाज ये कहती है कि उठो और जिहाद करो और मुसलमानों के ऊपर जाती हो रही है और तुम ही ने इनको निजात दिलानी है, तो एक जज्बा आ जाता है मुसलमान लड़कों में और वो जिहाद की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और इस तरीके की कार्रवाई करते हैं। दिस इज व्हाट अजमल कसाब हैज टोल्ड। एंड डेविड हेडली के भी जो इंटरोगेशंस और जो रिपोर्ट्स हैं अमेरिकन्स ने जो शाया की हैं वो भी यही पूरी चीज को कोरैबोरेट करता है कि किस तरीके से हुआ। तो इट इज अ वेरी ओपन फैक्ट, इट इज नॉट अ हिडन फैक्ट। एंड इसके अंदर ISI का कितना मेजर रोल है, इनफैक्ट मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, उसमें एक मेजर साहब भी एक ISI के इन्वॉल्व है जो कि कोऑर्डिनेशन भी कर रहे थे जब ये अटैक चल रहे थे, और उसके इंटरसेप्ट भी रिकॉर्डेड है। ऑल दीज प्रूफ्स आर देयर, इरिस्पेक्टिव प्रूफ्स हो ना हो आप लोगों को तो खैर फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम लोगों को कन्विंस करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दस्तावेज हैं, और दुनिया भी कन्विंस्ड है। दैट इज वाई पीपल आर आफ्टर पाकिस्तान, और इसीलिए पाकिस्तान FATF लिस्ट में है। और लखवी जो पहले गिरफ्तार हुआ था जो जेल के अंदर जो फादर भी बना, उसको मजबूरन पाकिस्तान को दोबारा से जेल में भेजना पड़ा, मेरे ख्याल से शायद जनवरी में भेजा है उसको, आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट डेट, तो ऐसा हुआ है। सो वर्ल्ड नोस, वी नो, एंड इन हार्ट ऑफ हार्ट यू ऑल्सो नो। सर पाकिस्तान ने कैसा रिएक्ट किया इसके बाद जैसा वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड ने क्या रिएक्ट किया? आपने वहां बात की होगी तो आप लोगों ने ऑफकोर्स इंडिया ने कहा होगा, तो क्या रिएक्शन आया, क्या रिप्लाई किया लोगों ने? देखिए पाकिस्तान ने इस टेररिस्ट अटैक को कंडेम किया और दुख प्रकट किया कि लोग मारे गए हैं, और पाकिस्तान ने ऑफिशियली डिनाई किया इनिशियली कि हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये लड़के हमारे नहीं है, और लेटर ऑन पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इस चीज की तस्दीक करी कि हाँ ये जो लड़के थे ये पाकिस्तानी थे और पाकिस्तानी टेररिस्ट तंजीम LET का इसमें रोल था, और इस तरीके से ये कार्रवाई हुई है। बाकी लोकल पॉलिटिक्स में इंडिया में लोकल पॉलिटिक्स खूब चली है, इसमें
लेफ्ट पार्टीज और लेफ्ट लीनिंग पार्टी लाइक कांग्रेस, उन्होंने यहां तक इल्जाम लगाया कि आरएसएस ने खुद ही करवा दिया। तो ऐसी चीजें हैं जिनको कोई मानने को तैयार ही नहीं है, मान ही नहीं सकता है, लेकिन बहरहाल पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इज डर्टी, पॉलिटिक्स इज टू कंफ्यूज पीपल एंड नॉट टू स्ट्रेंथन देयर ओपिनियन। सो दैट इज वॉट गुड ओल्ड पॉलिटिशियंस लाइक दिग्विजय सिंह और बाकी लोगों ने ये किया इंडिया के अंदर। और लेकिन जैसे जैसे समय निकलता गया, जैसे जैसे चीजें खुलती गई, तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि क्या हुआ, कैसे हुआ और किस तरीके से कार्रवाई हुई। सर बिल्कुल, अजमल कसाब पाकिस्तानी था, इस बात से तो कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जैसे आपने खुद भी अभी कहा कि कहा जा रहा था कि इंडिया के अंदर से ही कुछ लोग इन्वॉल्व थे जिन्होंने करवाया है, उसमें एक चीज़ और, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन एक चीज़ और मैंने उस वक्त देखी थी कि मुझे ठीक से नाम इस वक्त याद नहीं आ रहा है, कोई पुलिस ऑफिसर थे जो बहुत शुरू में ही जिनको गोली लगी थी और उनकी डेथ हो गई थी, मुझे नाम उनका भूल गया, ये भी कहा जा रहा था कि वो जी हेमंत करकरे, जी जी बिल्कुल, तो कहा जा रहा था कि उनको अंदर की खबर थी, वो सच जानते थे कि ये किसने किया, इसलिए उनको मार दिया गया। अगेन आई विल से कि मुझे नहीं पता ये चीज कहाँ तक ठीक है या नहीं है, लेकिन ये भी एक बात फैली थी कि अंदर से खुद ही करवाया गया, इसको आप किस तरह डिफेंड करेंगे? मेरे को डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, पूरी दुनिया को मालूम है एक्चुअल में क्या हुआ था। और जैसा मैंने बोला कि अगर पॉलिटिशियन कोई बातचीत बोलता है तो उसकी बात पे कोई विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसके पीछे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, और पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। अगर ये कहते हैं कि हेमंत करकरे को सब पहले से मालूम था, तो ये बड़े दुख की बात है कि हेमंत करकरे को ये पहले से मालूम था। हेमंत करकरे जब कामा हॉस्पिटल के अंदर जब हमला करने के लिए, या ये कसाब और इस्माइल खान जब सीएसटी से भागे छत्रपति शिवाजी टर्मिनल में, उन्होंने 58 लोगों को मारा और उसके बाद में गोलियां चलाते हुए वो स्टेशन के बाहर भागे और पेडिस्ट्रियंस को भी मारा। उसके बाद में जब वो कामा हॉस्पिटल की तरफ की लाइन में गए, तो उधर ये हेमंत करकरे भी इनका पीछा कर रहे थे, और वहां पे एक एम्बुश किया इन्होंने। हेमंत करकरे को उस समय तक ये मालूम नहीं था कि कितने हैवीली आर्म ये आतंकवादी हैं, और जब वो वहां पहुंचे तो उनको एम्बुश करके उनको मार दिया गया, वहां पर गन फाइट हुई और बहुत सारे लोगों ने देखा ये कोई ऐसा नहीं कि उनको मार दिया गया। उसको मारने के बाद में उनकी पुलिस वालों की गाड़ी इन्होंने हत्या ली, और फिर आगे जाके थोड़ा सा अबेंडन करी और एक सिविल गाड़ी को इन्होंने कब्जा किया, और ये कामा हॉस्पिटल की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन आगे पुलिस का नाका लगा हुआ था, वहां पर ये जाके फंस गए, वहां पर एनकाउंटर हुआ और उसके अंदर इस्माइल खान मारा गया, और अजमल कसाब जो है उसके साथ में एक पुलिसकर्मी जो है गुत्थम गुत्था हुआ, इसका हथियार हटाने की कोशिश कर रहे थे, लड़ाई हुई इनमें, जिसके अंदर वो पुलिसकर्मी मारा गया, लेकिन अजमल कसाब जो है वो पकड़ा गया। तो ये चीजें जो हैं, ये सबको देखी हुई चीजें हैं, उसमें से जो बचे उस हमले के अंदर, जो एक उसका नाम मैं बोल रहा हूँ, उस सिपाही का जो शदीद जख्मी हुआ था, तो बहुत सारे लोग हैं और भी लोग थे जो चश्मदीद गवाह थे, तो कोई ऐसे वो नहीं है कि कोई हवा में स्टोरी हो गई, लेकिन इट मेक्स गुड पॉलिटिक्स जब आप ये बोलते हैं कि हेमंत करकरे को ये सब मालूम था, सो इट मेक्स गुड पॉलिटिक्स, क्योंकि आम लोग जो है वो किताबें नहीं पढ़ते, और मैं जो आपको ये स्टोरी सुना रहा हूँ ये मनगढ़ंत नहीं सुना रहा हूँ, ये एक बड़ी फेमस बुक है, अगर इस पर क्लियर ना आ रही हो, उम्मीद करूंगा कि आप भी देखें, पता नहीं पाकिस्तान में ये मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो आप इसको जरूर पढ़ें। जरूर, ये इंडियन और आरएसएस वाले ने नहीं लिखी है, ये एड्रायन लेवी और केथी स्कॉट क्लार्क की ये किताब है, द सीज द अटैक ऑन द ताज, इसको आप जरूर पढ़िए और इससे बड़ी क्लैरिटी होगी, क्योंकि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी किताबें हैं जो कि इस्टेब्लिशमेंट के नरेटिव और स्टेट की जो पॉलिसी है उसके जब खिलाफ जाती है तो वो किताबें बैन हो जाती हैं। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी जो अवाम है, स्पेशली जो इंटेलेक्ट पीपल, दे डो नॉट नो कि क्या है, और वो वही जानते हैं जो उनको चूरन खिलाया जाता है, तो उसको उसी चूरन के जायके के साथ वो अपनी चीज को समझते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी, हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल का बटन जरूर प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसी मजेदार और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज का अपडेट मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।